देखिए अभी अपना हॉस्पिटल है एकदम सीधे रास्ते पूरे एकदम भीड़ आ रहा तो मैं करना आपके साथ हमको वैसे भगा दिए कहां से चलिए यहां देखिए एक क्लास में 60% छात्र लड़के एक क्लास में 60% छात्र कौन है लड़के अच्छा अगर 60% छात्र लड़के हैं तो 40% क्या है यहाँ ठीक है मतलब कि रेशियो होगा 3:2 का 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/5 मतलब 3 बॉय है तो बचा कितना ना था किसी को दिक्कत नहीं अगला देखिए क्या बोला और एक परीक्षा में 80% लड़कियों ने 40 और एक परीक्षा में 80% लड़कियों ने एक परीक्षा में 80% लड़कियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए एक परीक्षा में 80% लड़की लोग 40 से अधिक अंक प्राप्त किया ठीक है मतलब लड़की का संख्या यहाँ पर है ना सर मान लेते हैं ये 30 है और ये क्या है अगर टोटल लड़की का 80% लोग क्या किए 40 से अधिक लाए थे टोटल लड़की का 80% सर 10% दो 80% 16 मतलब कि 16 को जो है सो 40 से क्या लाई है अधिक लाई और चार लड़की जो है सो 40 से क्या लाई होगी कम लाई होगी बराबर लाई होगी कुछ भी लाई होगी है ना चलिए अगला लाइन पढ़ते यदि कुल छात्रों में से 60% ने ये अधिकतम ब्रैकेट छोड़ दीजिए ठीक है ब्रैकेट में यदि कुल छात्रों में से साठ परसेंट ने 40 से अधिक अंक हासिल किए सर टोटल कितना टोटल 50 है ना टोटल 50 में से कितना परसेंट लोग 60% लोग टोटल 50 का 60% की 10% कितना 5 60% कितना 30 मतलब टोटल 30 लोग कितना 40 से ज्यादा लाया है इसका मतलब 20 लोग 40 से कम लाया टोटल का 30 लोग 40 से क्या लाया है अधिक लाया है जिसमें से 16 क्या है महिलाएं हैं तो बचा कितना 14 वो पुरुष होगा ना ये समझ आ रहा है अगर टोटल 50 में से 30 लोग 40 से अधिक लाया है में से 20 महिला में से 16 महिला 40 से अधिक लाई है तो बचा कितना 14 इधर बचा जो 40 से अधिक लाई है लाया है सर 14 प्लस 16 इज इक्वल टू 30 बनाया सर अगर 14 लोग बॉय में से 14 लोग 40 से अधिक लेकर के आया है तो कितना 16 लोग 40 से कम लेकर के आया होगा ये समझ में आया नहीं दिक्कत यहां पर क्या नहीं ना अगला देखिए तो उन लड़कों का अंश खोले जिन्होंने 40 या उससे कम अंक प्राप्त किया है सर लड़का तो यहां पर है ना और 40 से कम अंक प्राप्त करने वाला कौन है 16 है ना तो क्या हो जाएगा मेरा 16/30 परसेंटेज नहीं पूछा है अंश पूछा है कि कितना भाग लड़कों का 40 से कम लाया है कितना भाग सर ये गया 8 और ये गया 15 सर टोटल 30 में से 16 लड़का 40 से कम लाया है ना इसका मतलब 8/15 भाग 40 से क्या किया है कम लाया किसी को दिक्कत हुआ क्या इसमें है ना सर जल्दी वाला क्लास है पूरा कीबोर्ड वर्क क्यों बताते बताते इतना समय हो गया पता नहीं सावत 3 बजे तक छोड़ मतलब 3 बजे तक छोड़ देंगे
तीन तीन पांच तक छोड़ देंगे, आप लोग सावा तीन बजे तक इंटर कर जाइए। टोटल का कितना परसेंट, अगला क्वेश्चन देखिए सर, टोटल का कितना परसेंट पुरुष है? 40% पुरुष है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/5। मतलब टोटल मतलब क्या, टोटल 5 में से कितना पुरुष है? टोटल, अगला क्वेश्चन, टोटल 5 में से कितना पुरुष है? 2 पुरुष है और 3 क्या है, महिलाएं। तो हम सबका ये छप गया। अगला स्टेप क्या बोला गया? यस पढ़, अगला स्टेप पढ़। अरे ढक्कन कहीं का नहीं, पढ़िए तो। देखें यहाँ पर 75% पुरुष, 75% पुरुष 38,000 से ऊपर कमाते हैं, ठीक है। हम बोले थे पॉजिटिव को हल्का हमेशा इधर लिखते हैं, नेगेटिव को इधर लिखते हैं। मतलब 75% पुरुष अगर 38,000 से अधिक कमाते हैं तो 25% पुरुष 38,000 या फिर उससे कम कमाते होंगे। ये समझ में आ रहा है? टोटल पुरुष किस रेशियो में था? 2 के रेशियो में था ना, है ना, 2 के रेशियो में था। इसको 20 और इसको 30 बना लेते हैं, पुरुष 20 और महिला 30। ये सही है सर? पुरुष का 75% 38,000 से ज्यादा कमा रहा है। पुरुष का 10% कितना? 2। मतलब 20 का 10% कितना? 2। अगर 10% 2, 10% 2, 70% 14 होगा ना, 70% 14। अगर 70% 14 घटा कितना? 5%। 5% 1 होगा ना, 10% 2 तो 5% 1। कुल मिलाकर के 14 और 1 15, कुल मिलाकर के 75% 15 आया। समझा सबको ये वाला? मतलब 20 का 75% जो कि 15 होता है वो क्या है मेरा, 38,000 से ऊपर कमाता है, और जो बच गया 5 वो 38,000 या फिर उससे कम कमाता होगा। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? अगला क्या लाइन पढ़ा गया, अगला क्या लाइन बोलिए।
जी क्या बोले? यदि कंपनी के 48% कर्मचारी 38,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक, समझिएगा टोटल कंपनी में लोग कितना है, कितना है? 50 है ना, ये समझ में आ रहा है? सर दिमाग को एक्टिव रख करके, यहां तक दिमाग सबका पहुंचा? दिमाग सबका यहां तक पहुंचा? टोटल कंपनी में लोग कितना है? 50 है ना, टोटल कंपनी में लोग 50 है, उसका कितना परसेंट? 48% ना। आप एक काम कीजिए सर, 50 का 48% करने जाइएगा ना, 50 का 48% करने जाइएगा तो हो जाएगा सही। देखिएगा 50 का 50% कितना? 25 है। 50 का 50% 25 है ना, 50 का 50% 25 है ना, हमको माइनस कितना परसेंट करना है? 2% है ना, 50 का 10% 5 है ना, ये समझ में आ रहा है? और 1% 0.5 हो गई ये बोला। सर यहां ध्यान दीजिए सब लोग, सर ये 50 का 10% कितना? 5, और 1% 0.5। अगर 1% अगर 1% 0.5 ठीक है, 1% 0.5 तो 2% कितना? 2% 1 होगा। ये 2% कितना हो जाएगा आपका? 1 होगा ना, ये समझ में आया? तो सर टोटल 25% कितना है? 50% कितना आया? 25 आया, इसमें से 2% माइनस कर देंगे जो कि 1 है, 25 में एक गया तो 24, तो कुल मिलाकर के 50 का 48% क्या आया मेरा? 24 आया। ठीक है, मतलब बोला गया है कि टोटल कर्मचारी का 24 को 38,000 से अधिक है, यही बोला गया है ना? सर टोटल कर्मचारी 50 था जिसमें से 24 गो का कितना अधिक है? सर 24 गो का 38,000 से अधिक सैलरी है। सर जो पुरुष था, पुरुष पर जाइए अभी, पुरुष पर, पुरुष का 20 में से कितना ज्यादा था? 15। पुरुष में, पुरुष का 20 में से 15 को पुरुष का 38,000 से ऊपर सैलरी था, जो 20 का निकाले थे 75% है ना, और टोटल कितना है? 24 है, 24 है टोटल, इसका मतलब इधर 15 है, तो इधर महिला लोग का, महिला लोग में कितना? 9 लोग का 38,000 से ऊपर होगा, समझ में आया? तो महिला टोटल है कितना? 30, 30 में से 9 का, 30 में से 9 का अगर 38,000 से ऊपर सैलरी है तो बचा कितना? 21। सारा का सारा डाटा आ गया, ठीक है, 20, 15, 5, 30, 9, 21, बुझाया? कैसे आया, समझ में आया सबको? एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर समय आप लोग को तब लगेगा जब हर क्वेश्चन में पेन उठा लीजिएगा, समझे? जब हर क्वेश्चन में पेन उठा लीजिएगा तब समय लगेगा आप लोग। सर 20% 40% मेरा क्या है? पुरुष है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, मतलब 2 पुरुष है तो 3 कौन है? महिलाएं। इसको 0-0 कर लिए, टोटल कितना आ गया? 50। ये है मैन, ये है वेमेन। मैन का कितना परसेंट? 75% का सैलरी ऊपर है, मतलब ऊपर वाला के यहाँ लिख देंगे कितना? 15। 20 का 75% आ गया और बचा कितना? 25%। जरूरत नहीं है, जरूरत होगा बाद में देख लेंगे। कितना 25% कितना आ गया मेरा? 5, सही है। सर टोटल में, टोटल का 48% का 38,000 से ऊपर सैलरी है, 50 का 48% 24। अगर टोटल 24 का 38,000 से ऊपर सैलरी है और पुरुष से 15 खा गया तो बचा कितना? 9। अगर 30 में से
9 गो का 38,000 से ऊपर सैलरी है तो बचा कितना 21 गो का 38,000 से कम सैलरी होगा। समझ में आ गया बोला? ठीक है, क्या पूछा गया है देखिए अगला। कंपनी द्वारा नियोजित महिलाओं का कौन सा अंश 38,000 रुपए के बराबर या उससे कम है? 38,000 के बराबर या उससे कम कितना है? 21 है ना, 21 टोटल महिला का कितना है 30, कितना 7/10, 3 से कटा 7/10। समझ में आया क्या? किसी को दिक्कत यहां तक? नहीं ना, ठीक। आप लोग पता है सुबह से एक रोटी ने खाए, एक टिफिन रखा हुआ है, एक रोटी खाने का टाइम नहीं मिला। आदमी के अंदर भूख होना चाहिए, पता है नशा होना चाहिए, अंदर सत्ता का नशा होना चाहिए। साला वो नशा क्या नशा है? अरे वो तो आदमी इतना तो खाइए लेता है कि एनर्जी कुछ समय के लिए रह जाए। सुबह अगर बाय चांस सुबह एक गिलास सत्तू पिए थे वो करके रह जाए तो शाम तक है, भूख तो लगा हुआ है पर क्या कीजिएगा। लेकिन नशा रहना चाहिए इंसान को सत्ता का, पोजिशन का, जिंदगी बनाने का, ये होता है नशा। अभी दारू पीता है छेड़ा कोई नशा नली में पड़ा रहता है ना, नशा है बोले तो यही सब कि चले तो जब 5 लोग 50 लोग 100 लोग देख करके जब देखे ना कि आप पहचान रहे हैं, साला वो होता है नशा। देखते हैं सीएम आया तो कितना भीड़ था सर। हाँ सीएम लोग पैसा के लिए नहीं मरता है, आप लोग गलत है कि पैसा के लिए मरता है वो। आप ये अगर छोड़ देगा ना इतना पैसा रख लिया होगा यार, मधु कोड़ा कुछ समय के लिए रहा तो 11,000 करोड़ दबा दिया ना? पैसा टेंशन है क्या इन लोग को? आप समझिए कितना इन लोग को पागल सा नहीं लगेगा। अब जैसे यहां पर आया चीफ मिनिस्टर बन करके तो ना कचाहीन भीड़, पूरा पैदल रास्ता जाम हो गया सब लोग है ना, पैदल का जाम हो गया था। 11 बजे बैच में लड़की लोग आधा लेट से पहुंची, समझे, पैदल लड़की लोग में जाम हो गया ऐसा था। आप अगर सीएम नहीं रहेगा ये लोग, ठीक है, आवरी कहीं जाएगा ये तो भीड़ मिलेगा सर, वो पोजीशन ये लोग बनाए रखता है जैसे नहीं होता सर। सीएम एक पोजीशन बनाए रखा है, आदमी लोग कीड़ा के जैसा जिया, कीड़ा के जैसा मर गया तो क्या जिंदगी है। कोरोना में 2 लोग मरा ना, एक प्रणब मुखर्जी और एक मिल्खा सिंह, और दोनों का नाम जानते होंगे आप लोग है ना, बल्कि करोड़ों लोग मरा है, किसको नाम पता है? कोरोना से कौन गया? कोरोना से नहीं गया, कोरोना में ही गया है, कोरोना से नहीं। हाँ याद है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। लाइन गया कि आया भाई? आया है ना, इन्वर्टर चल रहा। चलिए याद देखिए अब क्या लिखा है, सुनिए। किसी एबीसी कंपनी में 60% कर्मचारी आदमी है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, मतलब 5 है 3 है तो ये कितना, कितना 2। साला सुबह से खड़ा है फिर भी चिल्लाते हैं, पहले का मुंह से मजा ले और जिया निकले। वो तो ले
क्या है अब? हाँ बड़का ना अंग्रेज भाई, चलिए याद है कि अब 48% अभियंता और अभियंता का 66.66% आदमी है। कहा लिखा ले चलिए यहां देखिए क्या बोला गया है, सुनिए। टोटल किसी एबीसी कंपनी में 60% कर्मचारी आदमी, 60% मतलब 3 के रेशियो में आदमी है और 2 के रेशियो में मेरा क्या है महिलाएं, ठीक है ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है सुनिए, तथा 48% अभियंता है, 48% क्या है मेरा इंजीनियर, 48% इंजीनियर। सर इसको 30 और ये क्या है मेरा 20, 48% तथा 48% क्या है मेरा इंजीनियर है और मैन 48% इंप्लॉइज आर इंजीनियर, समझिए। टोटल कितना है 50, 50 का 48% अभी निकाले हम लोग 24, मतलब टोटल 24 को इंजीनियर है, ये पता चला। आगे देखिए, एंड 66.66% ऑफ दीज आर मैन, ठीक है यहां देखिए टोटल अभियंता का, ये लैंग्वेज बड़ा गंदा लिखा है, ठीक है एकदम लाइन से नहीं लिखा है, हाँ एकदम लाइन से नहीं लिखा है, ये बात कुछ भी हो सकता है या फिर क्वेश्चन मिस्टेक किया है क्या। सुनिए यहां पर सब लोग ऊपर देखिए, जगदीश अभी आए थे ना, देखिए आप, किसी एबीसी कंपनी में 60% कर्मचारी आदमी तथा 48% अभियंता है, 48% अभियंता है मतलब क्या टोटल 50 का 24 निकल गया 48% इंजीनियर है, यहां तक क्लियर सबको ना। आगे देखिए, और अभियंता का मतलब इंजीनियर का कितना है इंजीनियर 24 है ना, इंजीनियर का 66.66% आदमी, मतलब टोटल 24 का 66.66% फैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/3 होता है ना, मतलब इंजीनियर का 2/3 मतलब कितना 16 मेरा क्या है आदमी है, आदमी ठीक है, मतलब 16 को मेरा क्या है मेरा इंजीनियर, 16 वो मेरा आदमी इंजीनियर, समझ में आया बोला, कोई दिक्कत यहां तक निर्मल कहां पर ठीक। अब देख क्या बोला गया, तो औरतों का कितना प्रतिशत जो अभियंता नहीं है, सर टोटल इंजीनियर कितना है मेरा 24, इसमें से पुरुष कितना है तो महिला कितना होगा 8 होगा ना, टोटल मैन इंजीनियर है 16, टोटल कितना 24, तो बचा कितना 8, अगर 8 को महिला इंजीनियर है तो 12 को महिला इंजीनियर नहीं है, ठीक है तो बोला पूछा है कितना परसेंट महिला इंजीनियर नहीं है, ठीक है 12 महिला इंजीनियर नहीं है, कितना में 20 में इंटू 100 कितना 60% महिला इंजीनियर नहीं है, समझ में आया सबको। पांच महीना तक ऐसे पढ़ाते रहे ना ये वाला।
से अच्छा खासा रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? सेट करवाना समझता है? सेट करवाने के टैलेंट हर किसी में नहीं है, सेट करवाने का टैलेंट हर किसी में नहीं है। सेट करवाने का टैलेंट उसी में होगा जो पूरा का पूरा मैथ को एकदम रट के पढ़ चुका होगा, वरना टीचर सेट करवाने से डरेगा। समझे? वही सेट करवाएगा जो पूरा का पूरा मैथ को एकदम धन से एकदम पूरा अच्छा से रट करके पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ पढ़ चुका होगा कि इससे कैसे घुमाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने से बना रहे हैं ना, उस तरह से करना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या लिखा हुआ है सुनिए। लोगों के एक समूह में 28% सदस्य कौन है? युवा। 28% सदस्य युवा है जबकि बाकी बूढ़े। ठीक है, 28% सदस्य मेरा क्या है? युवा। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/ कितना है? 7/25। आनंद कितना? कितना? 7/ ना। मतलब 25 में से 7 क्या है मेरा? युवा है। तो बचा कितना? 18 मेरा कौन है? बूढ़े हैं। लोगों के एक समूह में 28% सदस्य युवा है, मतलब 28% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/25, मतलब कुल 25 में से 7 युवा है, तो बचा कितना? 18 बूढ़े। यदि 65% सदस्य साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे हैं, 65% टोटल कितना है मेरा? 25 है ना। ठीक है, 10 यहां बढ़ाइए, 10 यहां बढ़ाइए, 10 यहां बढ़ाइए, तब निकालिएगा 65%। क्यों ऐसा किए सर? टोटल 25 का आप निकालिए 65%, दिमाग खराब हो जाएगा, है ना, पॉइंट में चल जाएगा ना। अभी ये 0, 0 और 0 कीजिए, 250 का आप 60% निकाल दीजिएगा, लेकिन अभी भी जब निकालिएगा 5% तो 25 का 5%, मतलब कि 250 का 5% 12.5 आ जाएगा। पॉइंट में आ जाएगा ना अभी भी? यहां देखिए सर, 250 का 10% कितना? 25। 5% 12.5 हुआ ना। मान ना बोलते कह रहा, तो एक काम करते हैं, एक और 0 बढ़ा देते हैं। हाँ, क्या दिक्कत, बढ़ाते जाइए। सर टोटल कर्मचारी का कितना परसेंट? यार 65% सदस्य पढ़ल लिखल है ना, समझ रहे? अनपढ़ मिला करके 2500 का कितना परसेंट? 65% पढ़ा लिखा है टोटल का ना। ठीक है, टोटल है कितना? आप 2500 का निकालिए 65%। सबसे पहले 60% निकालते हैं, 10% 2500, 250, 10% 250, 60% 1500 होगा, 250 × 6 1500 हुआ। ठीक है, 1500 हो गया ना सर, 1500 हो गया, और 250 का, सॉरी 2500 का 10% 250, ये समझ में आ रहा सबको? 2500 का 10% कितना? 250 होगा, 2500 का 10% 250, अगर 10% 250 तो 5% 125 होगा ना, 125 समझ में आया? तो कुल मिला करके समझिएगा, कुल मिला करके 60% सपना कितना? 250 का 60% कितना? 250 का 60% कितना?
पूछ के 1500। सुजाता 2500 का 60% कितना? 2500 का 60% कितना? 2500 का 60% कितना लोग को आता है? पूछ रहे थे कितना लोग आता है, चिल्ला दिए सर। है याद है? सर 2500 का 10% 250 हुआ। yes, सर अगर मोरगन सपना यहाँ ऊपर ऊपर 10% कितना? 60% इंटू 6 इंटू तो 60% कितना? 25 छक तुम सपना है रे। 250 का इंटू 6 कितना? 250 इंटू 6 कितना? 250 इंटू 6 कितना? 150। ठीक है, 250 इंटू 6 100। मेरा बच्चा आराम से एंट्री कीजिए। कितना? 150। सपना कूदिएगा यहां से, हम कंपनी देंगे। कंपनी चलिए याद रखिए। अगर याद रखिए सपना सुनिए, याद रखिए अगर 2500 का 10% 250 तो 5% कितना? 5% कितना आप सपना? अगर 2500 का 10% 250 तो 5% वेरी गुड। कितना? 125। सुने तो आधा 125 कुल मिलाकर के 65% कितना होगा? ना एक रत्ती भर का सवाल इतना लेट कर दिए, परसेंटेज इतना दूर तक पहुंच गया है, क्या करते हैं यार आप लोग। 2500 का 10% 250, 60% 1500, 150। रॉबिन बोले थे रे, चुपके मार दिए तेरे चुपके से, हो गया। और 5% कितना? 125। 1500 प्लस 125 कुल मिलाकर के 1625 मेरा कौन है? टोटल पढ़ा लिखा है, साक्षर है। ठीक है, यदि 65% सदस्य साक्षर है और 25% साक्षर युवा, 25% साक्षर युवा, क्या लिखा ले? ओ ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है। याद रखिए याद रखिए, यदि 65% सदस्य साक्षर है, कुल कितना है मेरा? 2500 है, जिसका 65% मतलब 1625 मेरा हो गया कितना? पढ़ा लिखा। और युवा में से युवा कितना परसेंट है? युवा 25% मेरा पढ़ा लिखा है। ठीक है सर, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 बोल जाएगी, सॉरी 10% 70, 20% 140, 70 का 5% मतलब देखो कहाँ है, 70 का 5% 3.5 होता है, 700 का 5% 35 होता है। कहाँ देखो राजू, बोलते हैं सुन भी ना करते हैं, मार रगड़ दिए तुरंत दिमागों जो है वह है। 700 का 10% 70 हुआ, 5% 35,
तो सर 140 प्लस 35 कितना, 100 ना जुड़ पाए ना, 175। ठीक है, टोटल 1625 पढ़ा लिखा है ना, और जिसमें से पुरुष कितना पढ़ा लिखा है, 175। तो महिला कितनी पढ़ी लिखी होगी, 1625। क्या बुढ़ा है ना, 175 माइनस कीजिएगा तो कितना, मतलब 1450 को बुढ़ल पढ़ल लिखल है। कोई दिक्कत हुआ गया यहाँ पर, समझ में आ रहा हो? आगे क्या लिखा हुआ है सुनिए, तो निरक्षरों में बूढ़े लोगों का प्रतिशत है, सर उल्टा लिखा है, ठीक है, बूढ़े लोगों में निरक्षरों का प्रतिशत बताइए वो होगा, ठीक है, बूढ़े लोगों में किसका प्रतिशत, निरक्षरों का प्रतिशत मतलब अनपढ़ का, अगर 1800 में 1450 मेरा क्या है पढ़ल लिखल है तो अनपढ़ कितना होगा, 350 होगा। बुझाया सबको? ठीक, तो यही बोला गया है कि ये 350 का कितना परसेंट है, सर ये जो 350 है ये 1800 का कितना परसेंट है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन लगभग पूछा है, देखिए 66, 69, कितना 62 और 69। ठीक है, सब लोग याद आइए तुम, अरे वही तो साक्षर, इसका 65% ये आ गया, ठीक है, और 25% साक्षर युवा, इसका 25% ये आ गया, ठीक है, तो निरक्षरों में अगर ये 25 ये इतना है तो ये इतना, ठीक है, सही है, तो निरक्षरों में बूढ़े लोगों का प्रतिशत बताइए, निरक्षरों में बूढ़े लोगों का प्रतिशत, क्वेश्चन गलत लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन गलत लिखा है, यहां पर देखिए तो एक बार यहां देखिए, ये 350 लोग निरक्षर है ना, और यहां पर कितना लोग है निरक्षर, यहां पर 600 मतलब 525 को है ना निरक्षर, कुल मिलाकर के 5 और 3 875, कुल मिलाकर के 875 मेरा क्या है, अनपढ़ है ना, टोटल बोला है बूढ़े लोगों में से टोटल निरक्षर प्रतिशत बताइए, टोटल अनपढ़ कितना है, 875 है ये वाला × 100 ये, ठीक है, 18 × 5 = 85, 18 × 90 = 59, यही होगा, ठीक है, 59 के लगभग आंसर आ रहा है ना, वही तो, उससे भी कम है ना, मिस्टेक है क्वेश्चन मिस्टेक है, निरक्षरों में बूढ़े लोगों का प्रतिशत, इंग्लिश में देखिए, देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट, अरे यार ना ना गलत है, क्वेश्चन गलत है, ये बोला वो हिसाब से नहीं होगा, हम दो को क्वेश्चन अपने से बना, इसमें रुकिए समझिएगा, द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर्स यंग व्हाइल द रेस्ट इज ओल्ड, 28% मतलब 7/25, सही है, 65% सदस्य साक्षर, कुल मिलाकर के 65% ऑफ द मेंबर आर लिटरेट, ठीक है, एंड 25% ऑफ द लिटरेट
आर यंग। क्वेश्चन मिस्टेक है, हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ना 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 पागल कॉपी नहीं करेगा। इसका 25% सही है, और निरक्षरों में बूढ़े लोग का प्रतिशत परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट सारा का डाटा सारा का सारा सही है, ठीक है, एकदम सारा डाटा सही है। क्या बोला गया है देखिए, तो लोगों के एक समूह में 28% सदस्य युवा, 28% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/25, टोटल 25 में से 7 युवा, ये सही है ना। मतलब कि टोटल 25 में से 7 युवा है, तो बचे कितना, 18 बुजुर्ग, ठीक है, 18 बुजुर्ग कुल मिला करके टोटल 25 है, तो 700, 1800 और 2500 ले लिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ये बोला गया यदि 65% सदस्य, टोटल सदस्य कितना है 2500 है ना, इसका 65% पढ़ा लिखा है, मतलब लिटरेट, पढ़ा लिखा है, यही है। फिर क्या बोला गया, और 25% साक्षर युवा, 25% ऑफ द लिटरेट आर यंग, इसका 25% बोला गया। लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी में घुमाया, और 25% साक्षर युवा, यदि 65% सदस्य साक्षर है और 25% साक्षर युवा, देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में 25% ऑफ द लिटरेट आर यंग, इसका नीचे 16% ना, इंग्लिश में दिया हुआ ना, इंग्लिश यहाँ देखिए 1625 का 25%, 1625 का 25%, ठीक है, बहुत लंबा जाएगा जी, 2500 में 25%। अरे क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा खासा लंबा किया है और फालतू का घुमाया है, खाली घुमाया नहीं, मतलब ये लाइन में मिस्टेक किया है ये लोग, लाइन ऐसे लिखना होगा इस तरह, यदि 65% सदस्य साक्षर और 25% साक्षर युवा, अगर 25% साक्षर युवा है, ठीक है, तो इसका इसका 65% 75% ना, नहीं नहीं लैंग्वेज मिस्टेक है इसका, ठीक है, लैंग्वेज पूरा मिस्टेक है इसका जी, वही तो, इसको भी लेकर के मारिएगा तो लेके भागेगा ही नहीं, ये बोला पॉइंट में आ जाएगा, लोगों के एक समूह में जबकि बाकी बूढ़े, और इफ 65% ऑफ द मेंबर आर लिटरेट, टोटल 65% मेंबर लिटरेट है एंड 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग, ठीक है, इसका 25% यहां देखिए सब लोग एक बार देखिए, इसका 25% इसका, तो निरक्षरों में बूढ़े लोगों की निरक्षरों में इसका 25% अगर यंग है, ठीक है, युवा है, मतलब कि इसी का 75% बूढ़ा होगा, ठीक है,
सुधार रहे हैं, सुधारने दो तो। तो डिवाइड किया इसके मोबाइल में 1625 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 4 1625 इंटू 3 आ गया है 40625। डिवाइड कीजिए 72 से, 72 कितना आ रहा है 67.70। हां तो गया 67 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, कितना 67.70 लगभग 68 के है, बस 67.70 मार दीजिएगा, लेकिन मार नहीं सकते हैं यार 67.70 कैसे आ गया ये हाँ 1625 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 67.70 ये आ रहा है ना 67.70। मेरे गलत बता रहा है क्या? किरण कर ले वो एक बार देखे थे, रुकिए थे कि वन टू सिक्स फाइव को मल्टीप्लाई करने बोले थे 3 से, इमारती कर ले 25 से, ठीक है, अब बोलेंगे सर्वर नहीं आएगा। देखिए हिस्ट्री आप किसे मल्टीप्लाई कर ले सर। गजब गजब भिन्न प्रकार के लोग हैं बाप। चलिए यहां देखिए समझाते हैं, जो ये क्वेश्चन बोल रहा है सो हल्का करेक्ट करते हैं, ठीक है, आई पूरे करेक्ट करते हैं, समझिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। अरे करेक्शन वो सीखिए हो, खतरनाक खतरनाक एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिएगा, कीजिएगा छोटा मोटा काम। यहां देखिए ये समझ में आ गया ना, ये बाबा रिपीट ना करेगा, ये सही है भाई, ठीक है। बोला है टोटल का, समझिएगा टोटल का कितना परसेंट, टोटल का 65% क्या आ गया था मेरा 1625। हटाइए सो पा सोइए, यहाँ निकालना पड़ेगा 1625। टोटल का 65% आपका क्या है साक्षर, मतलब पढ़ा लिखा, ठीक है। और ये जो लाइन दिया हुआ है ना इंग्लिश में, हिंदी में नहीं पर इंग्लिश में सुनिएगा, ठीक है, इंग्लिश में बोला गया है इफ 65% ऑफ द मेंबर आर लिटरेट, 65% ऑफ द मेंबर कितना है मेरा 2500, उसका 65% मेरा लिटरेट है, मतलब ये पढ़ा लिखा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला गया है ये पूरा पढ़ा लिखा है, ठीक है, इसमें आपका कौन बुजुर्ग भी शामिल है और जवान भी शामिल है, ये समझ में आया। नेक्स्ट इंग्लिश में देखिएगा, एंड 25% ऑफ द लिटरेट्स, सुनिए सुनिए 25% ऑफ द किसका लिटरेट्स, लिटरेट्स ये है ना पढ़ा लिखा ये है, मतलब इसका 25% मेरा कौन है युवा, समझ में आया, इसका 25% इसका 25% युवा पढ़ा लिखा ही होगा ना, क्योंकि पढ़ा लिखल का ही हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सुनिए 1625 का 25% जो भी आएगा वो कौन है मेरा युवा है, और 1625 का बचा कितना परसेंट 75% मेरा कौन है बूढ़ा लोग है, यही लोग है ना, ये सही है, मतलब ये मेरा क्या है पढ़ा लिखल, ये बुढ़वेल मेरा क्या है पढ़ा लिखल, ठीक है। फिर क्या दिया, देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स ऑफ नियरेस्ट, बक्सला
गलत है क्वेश्चन। अगर आप गुड़गड़ के ऊपर कैसे लेंगे तो 100 पार भाग जाएगा, 100 का पार भाग जाएगा लेंगे तो। क्वेश्चन गलत है, पूरा गोरा परेशान किया खाली नहीं इसको। अरे नहीं क्वेश्चन में तो करेक्शन करने में मजा आता है ना, क्वेश्चन गलत होगा तो क्वेश्चन पर दिमाग लगाना पड़ता है आदमी को, समझे। 65 रुकिए ना, 25% सदस्य युवा साक्षर युवा, 25% ऑफ द लिटरेट्स, 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग। इसका 25% अगर लिटरेट्स यंग है तो निरक्षरों में बूढ़े लोग, बाप रे बाप, ना इसको हम करेक्ट कर देंगे क्वेश्चन को पूरा, ठीक है, लेकिन बताएंगे जरूर। हाँ, क्वेश्चन को पूरा करेक्ट कर देंगे और कल बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को करेक्ट जरूर करेंगे, जहां मिस्टेक है उसको वापस से ठीक करेंगे और बताएंगे जरूर, ठीक है। चलिए सवाल है क्या, चलिए रहने देते हैं। आज आज कौन सी क्लास है आप लोग का, रीजनिंग क्लास है। Thank you.